स्टूडेंट्स मैं हूँ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम पढ़े हैं। इसमें हम वेक्टर्स के बारे में डिटेल पढ़ रहे थे। अब हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि या तो किसी प्लेन में या फिर किसी स्पेस में 2D या 3D किसी पॉइंट पी की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जो ओरिजिन के हिसाब से किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करे उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ऑब्वियसली ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसके अलावा इसके यूनिट्स मीटर्स में है और जो डायमेंशन है वो लेंथ की है। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम तो अगर ये तो 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि एक्स और वाई एक्सिस हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई एक्सिस भी मौजूद हैं। अगर मैंने इस पॉइंट पी की लोकेशन को डिस्क्राइब करना है तो मुझे पहले एक्स डायरेक्शन में फासला ए तय करना है, क्योंकि प्रीवियसली अगर मैं फोर्स वेक्टर को रिजॉल्व करता था तो ये फासला नहीं था, ये एक फोर्स कंपोनेंट था। अब ये एक फासला है और फिर आपने यहाँ पे बी फासला तय करना है तो आप इस लोकेशन तक पहुंच जाओगे। इसलिए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स ए बी होंगे और यहाँ पे इधर से इधर तक एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, भले आप उसे आर कहो, भले डेल्टा आर कहो, भले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी लिखो या एस के ऊपर वेक्टर साइन डाल दो, ठीक है, वो वेक्टर क्या होगा? वो वेक्टर होगा एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और लिखेंगे किस तरह से, आर इज इक्वल टू ए आई, ए यूनिट्स फासला तय करना है आई डायरेक्शन में और बी जे बी यूनिट्स फासला तय करना है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ऐसा यूनिट्स मीटर होंगे वरना सेंटीमीटर वगैरह भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आर की वैल्यू 3i + 4j मीटर हो सकती है। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो तरीकाकार वही है पाइथागोरियन थ्योरम वाला, वो क्या है, वो है ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल अंडर रूट, या फिर अगर इसकी बात करें तो 3 स्केयर + 4 स्केयर का अंडर रूट, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर 3D वेक्टर हो, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और एक्स एक्सिस बोर्ड से बाहर आ रहा है, उसको इस तरह बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्यूब बना लेते हैं, तमाम लाइन एक दूसरे के पैरल लगानी है, मैंने किसी ना किसी लाइन के लॉन्ग पैरल जरूर होनी चाहिए हर लगाई गई लाइन। इस तरीके से क्यूब बना ली है और अगेन स्पेस में इस पॉइंट पी को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे एक सर्टन फासला इस ओरिजिन ओ से चलना है एक्स डायरेक्शन में, फिर चलना है वाई डायरेक्शन में, फिर चलना है जेड डायरेक्शन में, तो मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए बी एंड सी। जरूरी नहीं कि मैं ए बी सी ही चलूं, हो सकता है पहले मैं सी डायरेक्शन में चल लूं, फिर मैं ए चल लूं, फिर मैं बी चल लूं, जिस मर्जी डायरेक्शन में चल लें उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना है तो ये आपका पोजिशन वेक्टर आर है और आर को अगर डिस्क्राइब करना है तो वो ए आई बी जे प्लस सी के यूनिट्स होगा, जिसमें यूनिट अगर ऐसा ही है तो वो मीटर के आएंगे वरना सेंटीमीटर वगैरह भी हो सकते हैं। अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसका तरीका कार भी सेम वही है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का अंडर रूट। इस तरीके से आप यहाँ पे ओरिजिन से पॉइंट बी तक की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये जो ये वाला फासला है इसके ऊपर इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना है तो पहले मुझे एक्स डायरेक्शन में चलना है, फिर वाई डायरेक्शन में चलना है, फिर जेड डायरेक्शन में चलना है। तो इस तरीके से किसी भी स्पेस के अंदर अगर वेक्टर को डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़े तो हम उसके लिए पोजीशन वेक्टर की टर्म यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, मैं लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन के अंदर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। डायग्राम क्या होगी कि लेट्स से हमारे पास एक 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है।
इसके अंदर ये पॉइंट ओरिजिन का है और इसके अंदर दो वेक्टर लाई करते हैं, एक वेक्टर है वेक्टर ए और जो दूसरा वेक्टर है वो वेक्टर बी है। हमें इन दोनों वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट मीन्स मुझे वेक्टर ए भी गिवन है और मुझे इसका एंगल थीटा ए भी गिवन है, वेक्टर बी गिवन है तो इसका एंगल थीटा बी भी गिवन है। अब अगर मुझे इनको ऐड करना है टू टेल रूल के, तो मुझे बी को उठा के ए की टेल के ऊपर, ए के हेड के ऊपर रखना है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे इस जगह के ऊपर बी को ड्रॉ आउट करना है कि ये हमारा वेक्टर बी बन जाए। अब पहले के टेल को आखिर के हेड से मिला देना है, तो ये वेक्टर बन जाएगा जिसे मैं क्या कहूंगा, जिसे मैं कहूंगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। और इसका ये जो ये वाला एंगल है, इसे मैं कहूंगा कि ये एंगल थीटा है, इसे पहले थीटा आर कहो या कुछ भी कहो। तो अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा दोनों पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर एडिशन करूं, तो उसकी मदद से मुझे आसानी इसका आंसर पता चल सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे स्केल की और इसके अलावा किसी डी की जरूरत पड़ेगी, कंपास की जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं स्केल के मुताबिक आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकूं और इसके अलावा एंगल फाइंड आउट कर सकूं। लेकिन उन केसेस में जिनमें आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं होगा, सॉरी आपके पास कोई डी या स्केल नहीं होगा, बल्कि कैलकुलेटर की मदद से आपने ये काम करना होगा, तो उस वक्त आप क्या करते हो, उस वक्त आप वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस लाइन के ऊपर। दो लाइन आएंगी, इस लाइन की लेंथ को आप कहोगे कि ये ए एक्स है और इस लाइन की लेंथ को आप कहोगे कि ये ए वाई है। ठीक है जी, ये ड्रा आउट कर लेनी है और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस जगह के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो भाई ये एंगल भी थीटा बी ही बनेगा और ये लाइन बी का वाई कंपोनेंट और ये वाली बी का एक्स कंपोनेंट होगी। ठीक है जी, इस तरीके से अगर मैं इसके बराबर एक लाइन इधर लगा दूं, तो ये लाइन भी क्या कहलाएगी, ये लाइन भी ए वाई कहलाएगी। और अगर इसके अगेंस्ट एक लाइन इधर लगा दूं, तो वो लाइन भी क्या कहलाएगी, वो लाइन भी कहलाएगी बी वाई। तो चूंकि वेक्टर ए और बी दोनों गिवन है, इसलिए हम इस जगह के ऊपर क्या करेंगे, तमाम टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे, मैथमेटिकल डिस्कशन करते हैं। मैथमेटिकल डिस्कशन के अंदर मैं कहता हूं कि मुझे वेक्टर ए गिवन था, इसलिए मैं वेक्टर ए अगर गिवन था और वेक्टर बी गिवन था, तो उसका मतलब है मुझे दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस गिवन थी। गिवन क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस बात का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, ये दोनों ही गिवन है। इसकी वजह से मैं आसानी उसका एंगल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, थीटा ए और थीटा बी दोनों चीजें क्या है, ये हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड कर लेना है सबसे पहले कि अगर a गिवन है तो ax कैसे आएगा, वो आएगा ax is equal to a cos of theta a से आएगा। जो bx है वो कैसे आएगा, वो आएगा b cos theta b से आएगा। ay कैसे आएगा, वो a sin theta a से आएगा। और इसके अलावा जो by है वो कैसे आएगा, वो आएगा b sin theta b के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेना है, और अगर जुबानी सॉल्वेबल हो तो हमने जुबानी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और बात नोटिस करने की है, वो ये कि अगर मैं इस वेक्टर आर को रिजॉल्व करता हूं, तो आर का एक एक्स कॉम्पोनेंट बनता है यहां से लेकर यहां तक, इसे मैं लिख देता हूं कि यह है आर एक्स, और इसका वाई कॉम्पोनेंट बनता है यहां से लेके यहां तक, इसे क्या लिख देता हूं, इसे लिख देता हूं आर वाई। पॉइंट की नंबरिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट है एम एन ओ पी क्यू आर एस। इस तरीके से आपने यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं यहां पे ए एक्स और बी एक्स को, अगर मैं इस जगह के ऊपर ए एक्स और बी एक्स को ऐड कर लूं, तो मुझे आर एक्स मिल सकता है। दैट मीन्स मैंने क्या कहना है कि आर एक्स फाइंड आउट अगर मुझे करना है, तो उसके लिए मुझे ए एक्स और बी एक्स को ऐड करना है स्केलर फॉर्म में, या फिर अगर मैं इन पॉइंट्स के टर्म में डिस्क्राइब करना चाहूं, तो मुझे ये लाइन लेंथ ओ आर फाइंड आउट करने के लिए ये वाली लाइन लेंथ ओ क्यू
और इसके अलावा ये वाली लाइन लेंथ क्यू आर एड करनी है। और आप ये बात जानते हो कि हमारे पास क्यू आर की जगह पे एम एस भी लिख लिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरीके से आपको आर एस मिलेगा। इसके अलावा अगर मुझे आर वाई चाहिए तो आर वाई कैसे निकालना है, आर वाई निकालने के लिए मुझे ए वाई और बी वाई एड करने हैं। क्या करना है, ए वाई और बी वाई एड करना है। कैसे एड करना है, मैं आर एस और एस पी एड कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, आर एस और एस पी एड कर लेता हूं, उससे मुझे क्या मिलता है, लाइन लेंथ आर से लेके पी तक की लाइन लेंथ ये वाली पता चल जाती है, तो मुझे आर वाई पता चल जाता है। इस तरीके से आपने स्केलर फॉर्म में इनको ऐड करना है और ऐड करके आपको आर एक्स और आर वाई मिल जाएंगे। आपको ये बात पता है कि हम वेक्टर फॉर्म में क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर फॉर्म में ए और बी दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं एक्स कंपोनेंट्स को पहले लिख लूं और वाई कंपोनेंट्स को बाद में लिख लूं और फिर मैं ऐसा करूं कि यहां पे इस जगह के ऊपर ए एक्स और बी एक्स लिख दूं और इसके अलावा यहां पे आई बाहर कॉमन निकाल लूं, फिर ए वाई और बी वाई लिख लूं और फिर जे बाहर कॉमन निकाल लूं, तो ए एक्स प्लस बी एक्स तो आर एक्स होता है। दैट मीन्स आर कैसे आएगा, वो आएगा आर एक्स आई, और ए वाई प्लस बी वाई क्या होता है, वो तो आर वाई होता है। तो इस तरीके से आप दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करोगे कंपोनेंट्स को तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, वो है पाइथागोरियन थ्योरम। आप आर एक्स स्क्वायर और आर वाई स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट ले लो, दैट मींस आप क्या करो, ए एक्स प्लस बी एक्स करो उसका स्क्वायर लो, फिर आप ए वाई प्लस बी वाई करो और उसका स्क्वायर करो और अंडर रूट ले लो, ठीक है। इस तरीके से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे थीटा चाहिए, थीटा थीटा आर का हो या थीटा का हो, तो उसके लिए क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस करना है, आर वाई ओवर आर एक्स लिखना है आपने, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका एंगल भी मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इस जगह के ऊपर स्केलर फॉर्म में एड करके, दैट मीन कैलकुलेटर से एडिशन करके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लेना। इक्वेशंस को नाम दे दो, भले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, उसके बाद ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद आपने ये बताना कि अगर वेक्टर्स की तादाद ज्यादा हो तो फिर क्या करें, अगर वेक्टर्स की तादाद ज्यादा हो तो फिर आपने रिजल्टेंट जो फाइंड करना है वो करना है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस सी वाई का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। और जब आपने एंगल फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करना है, टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि आर वाई ओवर आर एक्स बनता है, इसलिए क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ सबसे पहले क्या आएगा, वो आएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई और यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। और अगर वेक्टर की तादाद 3 से भी ज्यादा है फिर आप यहाँ पे प्लस के साथ कंटिन्यू शो कर दें कि जहां तक भी ये वेक्टर्स जा रहे हैं सबके एक्स और वाई कंपोनेंट्स इसी पैटर्न में ऐड करने हैं और यहाँ पे भी डॉट डॉट डाल दीजिए, यहाँ पे भी डॉट डॉट डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको ब्रीफ कर देना है, दैट मीन समरी लिखनी है। नेक्स्ट काम क्या करना है, समरी लिखनी है 5 पॉइंट्स की, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो काम किया इसको समराइज कर दो। कैसे समराइज करोगे, सबसे पहले आपने तमाम वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके स्केलर फॉर्म में रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेना है। नंबर 3, तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करना है स्केलर फॉर्म के अंदर और वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेना है। नंबर 4, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपने पाइथागोरियन थ्योरम यूज करना है, r इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। नंबर 5, एंगल फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस आर वाई ओवर आर एक्स से, जहां पे आप आने वाली जो वैल्यूज है उनको पुट करोगे। तो यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लें। ये पेज नंबर 29 के ऊपर where theta is the angle which the resultant vector makes with
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे जो हमें साइन कन्वेंशन पढ़ने हैं वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके अलावा न्यूमेरिकल भी यूज होगा। बच्चों को एक कंफ्यूजन सर, समरी 5 पॉइंट से ज्यादा हो सकती है? बेटा 5 ही पॉइंट्स बनते हैं बुक में, तो 5 पॉइंट्स लिखे हुए, अगर आप किसी को स्प्लिट अप करना चाहो और पॉइंट को तो कर सकते हो। अच्छा जी, अब उसके बाद साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। लेट्स से मैं कहता हूं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वेक्टर ए, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स जो कि पॉजिटिव में है पर ए वाई जो कि पॉजिटिव में है। आपको ये एंगल फाइंड करना है थीटा, आप क्या करो, आप सबसे पहले फाई फाइंड कर लो। ये चलो मैं थीटा की बात बताता हूँ, ये एंगल थीटा फाइंड करना है। और उसके अलावा एक और वेक्टर है जो कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेट्स से ये वेक्टर है ए, और इस जगह के ऊपर यहाँ पे ये इसका वाई कंपोनेंट है जो कि नेगेटिव में है, और ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये भी नेगेटिव में है। अब आप ये काम करोगे कि अगर इस जगह के ऊपर थीटा जो है वो टेंजेंट इनवर्स आपने किया ए वाई ओवर ए एक्स, और यहां पे आपने किया थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस ए वाई ओवर माइनस ए एक्स, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी टेंजेंट इनवर्स बन आएगा, अगर ये बराबर है तो ये भी टेंजेंट इनवर्स बन आएगा, दोनों का आंसर टेंजेंट इनवर्स 145 डिग्री आएगा। That means, आपको बजाय इस वेक्टर के लिए ये वाला एंगल मिलेगा, आपको ये वाला एंगल कैलकुलेटर देगा ही नहीं, वो आपको इतना सा एंगल देगा, ये वाला जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम फाई का नाम दे देते हैं। तो भाई उसे फाई का है तो उसे भी फाई कह लो, क्वाड्रेंट्स बाद में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ क्वाड्रेंट नंबर, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 था सॉरी, पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 2 के अंदर अगर कोई वेक्टर इस तरीके से यहाँ पे इधर मौजूद है, और ये वेक्टर ए है और इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंपोनेंट्स हैं कि वाई कंपोनेंट तो पॉजिटिव है लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव है। इसी तरीके से एक वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है और उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ये हो रहा है कि अगर ये वेक्टर ए है तो भाई इसके कॉम्पोनेंट्स हैं ये माइनस ए वाई कॉम्पोनेंट है और ये वाला प्लस ए एक्स कॉम्पोनेंट है। भाई अब अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखोगे थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस प्लस ए वाई ओवर माइनस ए एक्स, और इसके लिए लिखोगे थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस ए वाई ओवर प्लस ए एक्स, तो भाई अगर मैं कहता हूं कि कोई भी वैल्यू है ए वाई ओवर एक्स की, लेट्स से बराबर है, तो ये भी कट के माइनस वन बनेगा, ये भी कट के माइनस वन बनेगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस वन कैलकुलेटर के ऊपर करोगे तो आपको 135 का आंसर मिलेगा। दैट मींस ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। सो आपने तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला एंगल निकालना है, तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे ना ये तमाम फार्मूलाज रिप्लेस कर दो, इसे थीटा मत कहो फाई कहो, इसे क्या कहो फाई कहो, और फाई को कहो कि फाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल है ही नहीं। ये एंगल कौन सा है? ये एंगल है नियरेस्ट एक्स एक्सिस तक बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल फाई है, यहाँ पे ये वाला एंगल फाई है, यहाँ पे भी इस जगह के ऊपर ये वाला एंगल फाई है, और यहाँ पे भी इस जगह के ऊपर ये एंगल फाई है। तो ये फाइंड आउट कर लिया है। फाई फाइंड आउट करते हुए आपने किसी के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाना, सारे के सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो पॉजिटिव में पुट करनी है। तो भाई इस तरीके से आपके पास तमाम केसेस में एक ही आंसर आएगा, भले क्वाड्रेंट कोई भी हो। लेकिन बाद में आपने ये काम करना है कि लॉजिक लगा के इस जगह के ऊपर थीटा को फाइंड आउट कर लेना है। अब देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो ये वाला एंगल है फाई, यही एंगल थीटा भी है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो थीटा और फाई आपस में इक्वल रहेंगे।
इस क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना है यहां से यहां तक, ये वाला एंगल 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री के अंदर अगर आप ये फाई ऐड कर लें तो आपको ये वाला एंगल थीटा मिल जाएगा। तो थीटा का क्या रिलेशन है, वो है 180 डिग्री प्लस फाई। तो अगर आपका फाई 45 आया है ये वाला, तो आप उसमें 180 ऐड कर लें, आपको 225 डिग्री मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास ये वाला एंगल फाई है और जो ये वाला एंगल है ये 180 है और आपको चाहिए ये वाला एंगल थीटा, तो आप देख सकते हो कि थीटा और फाई को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आ रहा है। तो भाई इसका मतलब है थीटा फाइंड आउट करने के लिए 180 डिग्री माइनस फाई करना है। अगर फाई 45 है तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली 135 आएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। और अगर ये वाला क्वाड्रेंट है तो आपको पता है कि आपको ये एंगल फाई मिला है, आपको ये वाला एंगल थीटा चाहिए और ये पूरा एंगल 360 का है, तो आप देख सकते हो कि थीटा और फाई को ऐड करें तो 360 डिग्री आंसर आ रहा है। तो अगर थीटा फाइंड करना है तो 360 डिग्री में से फाई को माइनस कर लो। मतलब क्या हुआ कि अगर फाई 45 है तो थीटा ने 315 डिग्री आना है। तो इस तरीके से आप ये लॉजिक लगा के किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर आने वाली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो पूछ लो। न्यूमेरिकल 2.1 करवा रहा हूं। बच्चों क्वेश्चन है, सपोज दैट इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज इट्स टेल एट पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3 एंड बी एंड इट्स टिप एट पॉइंट क्यू। बेटा मिसप्रिंट हुआ है, इसको जरा देख लेना, ये 3, 9 है, यूनिट्स कोई नहीं गिवन। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है इन पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे मैं पी क्यू इस तरह से लाइन लेंथ से प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है भाई, हमें जो कंडीशन गिवन है वो ये कि इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इससे -2 यूनिट्स इस तरफ और -3 यूनिट्स इस तरफ चलें, तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक पॉइंट आता है जिसे मैं पी -2, 3 कहता हूँ। फिर अगर मैं यहाँ से 3 यूनिट्स इधर को और 9 यूनिट्स इधर को चलूँ, तो इधर भी इस जगह के ऊपर भी एक पॉइंट आता है जिसे क्या कहूंगा, पॉइंट क्यू, और ये होगा 3, 9। स्टेटमेंट क्या है कि एक वेक्टर है जिसकी टेल पॉइंट पी पे है और जो टिप है वो पॉइंट क्यू के ऊपर मौजूद है। वो कहां पे मौजूद है, पॉइंट क्यू के ऊपर मौजूद है। हमने इस लाइन लेंथ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। पहली बात तो ये कि अगर मैं कहता हूं कि ये पॉइंट ओ है और यहां से इधर तक एक वेक्टर बना हुआ है, तो उसे मैं वेक्टर आरपी का नाम दे सकता हूं। और आरपी वेक्टर कैसे आएगा, आरपी वेक्टर आएगा यहां से -2i -3j यूनिट्स, यूनिट्स गिवन नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इस जगह के ऊपर ये वाली लाइन लेंथ बनाता हूं, तो ये वाली लाइन लेंथ आर क्यू कहलाएगी, ठीक है। और जो आर क्यू है वो क्या है, वो यहां से फाइंड आउट कर लेंगे 3i + 9j यूनिट्स। अच्छा, आप लोग क्लियरली देख सकते हो इस जगह के ऊपर कि अगर मैं यहाँ पे आने वाले वेक्टर आर पी के अंदर हेड टू टेल रूल के मुताबिक एक वेक्टर ऐड कर दूं जिसे मैं आर पी क्यू कहूं या डेल्टा कहूं, एक ही बात है, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहूं, ये दोनों ऐड कर लेता हूं, तो इस जगह के ऊपर पहले के टेल से आखिरी के हेड तक जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो आर क्यू आता है। दैट मीन्स अगर मैं आर पी में डेल्टा आर ऐड करता हूं तो क्या मिलता है, आर क्यू मिलता है। मुझे ये फाइंड आउट करना है डेल्टा आर कैसे आएगा, डेल्टा आर आएगा आर क्यू माइनस आर पी से। सो डेल्टा आर इज इक्वल टू 3i + 9j माइनस
माइनस थ्री आई माइनस टू आई माइनस थ्री जे, ठीक है। तो डेल्टा क्या बना, ये बना थ्री आई प्लस नाइन जे प्लस टू आई प्लस थ्री जे, ब्रैकेट खोली, थ्री और टू कितना बनेगा फाइव आई, और इसके अलावा नाइन प्लस थ्री कितना बनेगा ट्वेल्व जे, ये डेल्टा आर आ गया। अब आपने डेल्टा आर मैग्नीट्यूड निकालना है, जो कि किसके इक्वल आना है, डिस्टेंस पी क्यू के इक्वल आना है, ठीक है। और ये आएगा फाइव स्केयर प्लस ट्वेल्व स्केयर का अंडर रूट, दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव प्लस वन फोर्टी फोर का अंडर रूट, दैट मीन्स वन सिक्सटी नाइन का अंडर रूट, दैट मीन्स थर्टीन, थर्टीन यूनिट इसका आंसर है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये इसके लिए आप टेंथ मैथ्स के अंदर यूज किया गया फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, जिसके अंदर यहां पे क्या आता है डेल्टा एक्स स्केयर और फिर क्या आता है डेल्टा वाई स्केयर और उसका अंडर रूट आता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्केयर और यहाँ पे क्या आता है वाई टू माइनस वाई वन का होल स्केयर और अंडर रूट। तो भाई अगर यहाँ पे लिखता हूं तो एक्स टू कितना है थ्री माइनस माइनस टू, और इसके अलावा वाई टू कितना है नाइन माइनस माइनस थ्री। तो इस तरह से करके भी आप यहाँ पे फाइव स्केयर प्लस ट्वेल्व स्केयर अंडर रूट से थर्टीन आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली वो तब होगा जब मैथ्स कर रहे होंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा जो है वो वेक्टर से रिलेटेड है, तो हमें सॉल्व भी किस फॉर्म में करना है, सॉल्व भी वेक्टर फॉर्म में ही करना है। एनी क्वेश्चन? न्यूमेरिकल 2.3 क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, इसके भी कोई यूनिट्स होंगे, और हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि यहां पे इसके वेक्टर तो कैसे सॉल्व करना है। कोई भी वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बनता है, और डायरेक्शन जो है वो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से आती है, दैट मीन्स 4i प्लस 3j यूनिट्स को हमने डिवाइड कर लेना है फोर स्केयर प्लस थ्री स्केयर अंडर रूट यूनिट से, यूनिट यूनिट से कट जाएंगे और ए यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वो आएगा फोर आई प्लस थ्री जे ओवर सिक्सटीन प्लस नाइन का अंडर रूट, या फिर वो बन जाएगा फोर आई प्लस थ्री जे ओवर ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट, या फिर फोर आई प्लस थ्री जे ओवर फाइव, और अगर एलसीएम ब्रेक कर लो क्या बनेगा फोर बाय फाइव आई प्लस थ्री बाय फाइव जे। तो जब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना अदरवाइज हमने बच्चों, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़ सर।